नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के समय में, और बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट में सेलर अकाउंट क्रिएट करके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कैसे सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे बिगिनिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि कैसे सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और सेलर अकाउंट क्रिएट करके कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सब कुछ आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट। जी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको गूगल में टाइप करना है और आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में जो आप लिंक देख रहे हैं वो ऐड है, सेकेंड वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का जहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो जो सेक्शन है वो आ चुका है। और यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं। और मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से मोबाइल नंबर डालना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालनी है। तो चलिए इस OTP को यहाँ पर डाल लेते हैं। तो OTP डालने के बाद नीचे आपको अपना ईमेल आईडी डालनी होती है और उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आसानी से कोई भी आपके पासवर्ड को हैक ना कर पाए। और इस तरह से आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड पे आपको दोबारा से पासवर्ड को रिपीट करना है। और नीचे आप देख रहे होंगे कि ओनली बुक्स और ऑल कैटेगरीज़ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर आप केवल ओनली बुक्स पे आप सेल करना चाहेंगे तो केवल पेन मैंडेटरी है, केवल पेन नंबर आप यहाँ पे दे के आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल कैटेगरीज़ में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको GSTIN देनी जो है वो अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर मैं GSTIN दे देता हूँ और नीचे आप देख सकते हैं मेरे GST का कम्प्लीट जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुका है। अब रजिस्टर एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम आपको यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आप जो भी डिस्प्ले नेम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे मेरा जो GST का जो नेम है, जो डिस्प्ले नेम है, वही मैं यहाँ पे डालूँगा। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ऊपर में थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। S को मैंने कैपिटल कर दिया और ये अभी ऑनलाइन मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एंड नीचे आपको पिन कोड डालनी है और वही पिन कोड डालनी है जो आपने GST लेते समय आपने वहाँ पे डाली थी, ताकि यहाँ पे वो पिन कोड जो है वेरीफाई हो सके। और उसके बाद आपको डालनी है पिकअप एड्रेस। जी हाँ, जिस एड्रेस से कुरियर वाले आके आपके प्रोडक्ट को पिकअप करेंगे वो पिकअप एड्रेस यहाँ पर आपको कम्प्लीट जो है वो यहाँ पर डालनी है। इस तरह से आप अपना जो पिकअप एड्रेस है वो कम्प्लीट अच्छे से आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा, मींस ऑलमोस्ट जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे होंगे ऊपर में आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाइड है। यहाँ पे ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, थोड़ी देर में आपको बताऊँगा कि कैसे उसे वेरीफाई करना है। और आप देख सकते हैं बाकी जो इन्फॉर्मेशंस है लगभग कम्प्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सिग्नेचर जो है वो डालने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं या आप सिंपली जो है अपना नाम टाइप करके यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नेचर जो है वो जनरेट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही आप अपना नाम जो है टाइप करेंगे, आप नीचे देख रहे होंगे जो सिग्नेचर जनरेट हो रहा है, इस तरह से जनरेट करके आप नीचे यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन है यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो इस तरह से, और नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, मीन्स अपना जो सिग्नेचर है उसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ड्रॉ का जो ऑप्शन है,
इस तरह से आपका जो भी सिग्नेचर है आप ड्रॉ करके ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है सैलरी अकाउंट क्रिएट करते समय, तो इस तरह से आपको कर लेना है जितने अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वो मैंने दिखाया, ये ड्रॉ मैंने करके मैं ऐड कर लेता हूँ। और नीचे से मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। आप देख सकते हैं मेरा जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है और लगभग काम मेरे यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। अब जो बारी आती है वो लिस्टिंग की आती है। लिस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अपना जो ईमेल आईडी है वो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करनी है। और लिस्टिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, लिस्टिंग कैसे करनी है। और लिस्टिंग करने के बाद ये कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ये 100% कंप्लीट होगी जब मैं लिस्टिंग को करूँगा। और यहाँ पे मैं ईमेल को जैसे ही वेरीफाई करूँगा यहाँ पे परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज जो है वो कम्प्लीट 100% हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ से आप एक लिंक जो है अपने ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, और ये मैंने ईमेल अपना ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप क्लिक हियर आप देख रहे होंगे ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई करने के लिए। और जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे आपका आप देखेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने सेलर अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं आपका जो ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे परसेंटेज भी आप देख रहे होंगे इंक्रीज हो गए हैं। तो इस तरह से आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको लिस्टिंग और फ्लिपकार्ट से जुड़ी तमाम बातें मैं आपको बताता रहूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली ये जो गो टू लिस्टिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो सेलर अकाउंट है फ्लिपकार्ट का वहाँ पे आप आ जाएंगे, और यहाँ से आप अपना बैंक डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभय ऑनलाइन, ये यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, राइट साइड में टॉप में आप क्लिक करेंगे तो मैनेज प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद सिंपली आपको थोड़ा डाउन जाना है और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, व्यू पे इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ पे आप ऐड डिटेल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो बैंक डिटेल है वो आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे इस तरह से क्लिक करना है। सारा बैंक डिटेल नीचे आप देख रहे होंगे, मेरा जो बैंक का जो डिटेल है, किस सिटी का बैंक है, ब्रांच कहाँ का है, सब कुछ आ चुका है। एंड उसके बाद आपको नीचे सेव वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो बैंक डिटेल है वो कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे बैंक डिटेल जो है वो ऐड करना है। तो इस तरह से आप बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक सिंपल ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में जाके आप अपने इन्वेंट्रीज को देख सकते हैं, लिस्टिंग में जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, और ऑर्डर्स में जाके आपने आपके एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं, रिटर्न्स कितने हैं, कैंसिलेशन कितने हैं, पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आप पेमेंट्स ओवरव्यू ले सकते हैं, ग्रोथ वाले ऑप्शन में आप रिटर्न्स, कैंसिलेशन, प्राइस रिकमेंडेशन, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं आपको फ्लिपकार्ट से जुड़ी ये जो तमाम बातें हैं वो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बताता रहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक रफ ओवरव्यू आपको मैं दे दे रहा हूँ, जिससे रिपोर्ट वाले में रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में आप जो भी कैंपेन आप चलाएंगे फ्लिपकार्ट में वो आप चेक कर पाएंगे, और यहाँ पे पार्टनर सर्विसेज हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टैक्सेस से जो रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो फिर से हम लोग बैक चले जाते हैं वेलकम पे क्लिक करके, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें कैसे सेलर अकाउंट क्रिएट करना है वो मैंने बताया है, और लिस्टिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।